पिछले दो हफ्तों के 46 जिहड़े ने पीओ एनडीपीएस एक्ट फड़े है। हुण तक जिहड़े टोटल एनडीपीएस एक्ट के पीओ आ 429 पीओ फड़े जा चुके हैं। ड्रग मनी जिहड़ी पिछले दो हफ्तों की 14,80,000 रुपए जिहड़ी रिकवरी हुई है। हथियार ने उन्हों का पब्लिक डिस्प्ले जिहड़ा है जनतक जिहड़ा प्रदर्शन आ उहदे उत्ते पूर्ण तौर पर पाबंदी लगाई जाए। इहो जिहे गीत आ जिहड़े हथियारां दी जां हिंसा की वडियाई करते हैं उन्हां गीतां दे उत्ते भी पाबंदी लाई जाए। पिछले दो हफ्तों के पंजाब दे विच टोटल जिहड़ियां FIR दर्ज हुई ने 406 FIR दर्ज हुई हैं एंड 513 अक्यूज जिहड़े अरैसट हुए हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀਆਂ FIR ਨੇ ਉਹ 42 FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਔਰ 61 ਜਿਹੜੇ ਆ 61 ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਆ। ਮੀਡੀਅਮ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀਆਂ 320 ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 43 FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਟੋਟਲ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ FIR ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। इस तरह कमर्शियल क्वांटिटी दी जिहड़ियां FIR दर्ज हुई वो हुशियारपुर 4, लुधियाना कमिश्नरेट 4, अमृतसर रूरल 4। रिकवरी जिहड़ी पिछले दो हफ्तों के हुई है उहदे विच हैरोइन की 42 किलो की रिकवरी है, OPM की 17 किलो की रिकवरी है, पॉपी हस्क की 919 किलो की रिकवरी है, गांजा 12 किलो की रिकवरी है, नारकोटिक पाउडर जिहड़ा है मिसलीनियस वो 3 किलो की रिकवरी है और टैबलेट्स ते मैडिकल जिहड़ियां पिल्स ने इंजैक्शनस वगैरह दी वो 74,017 की रिकवरी है। ड्रग मनी जिहड़ी है वो 14,80,320 रुपए जिहड़ी है ड्रग मनी की रिकवरी हुई है। और POs के खिलाफ जिस तरह NDPS एक्ट POs के खिलाफ जिहड़ा स्पैशल कैंपेन चल रहा पिछले दो हफ्तों के 46 जिहड़े ने PO NDPS एक्ट ते फड़े है। तो इस तरह हुण तक जिहड़े टोटल NDPS एक्ट के PO आ 429 PO फड़े जा चुके हैं। वो काफ़ी वड्डी मात्रा के पिछले दो हफ्ते भी चंगी प्रोग्रेस हुई है, पर वीक के हिसाब से 23 के आसपास जिहड़े आ वो PO फड़े आ। इस संबंध में मानयोग सुप्रीम कोर्ट वालों भी हिदायतां ने कि ड्रग्स के जिहड़े PO ने NDPS एक्ट के जिहड़े PO ने उन्हां दे उत्ते सब तो वध फोकस किया जाए और उहदे उत्ते लगातार जिहड़ा कैंपेन आ वो पंजाब पुलिस का जारी है। उसके उत्ते ड्रग मनी जिहड़ी पिछले दो हफ्तों की 14,80,000 रुपए जिहड़ी रिकवरी हुई है। कोई जिहड़ियां पंजाब सरकार वालों नवीं हदायतां कुछ जारी की गई ने वो कल दा मीडिया दे विच आपां देखिया भी है। एक तो उहदे विच इह हैगा कि जिन्हें भी आम लाइसेंसिस इशू हुए हुण तक उन्हां दा जिहड़ा ये 3 महीने के अंदर अंदर सारे लाइसेंसिस का एक बार रिव्यू किया जाए, उहदे विच देखिया जाए कि जे किसी गलत अंसर नूं जारी होया है तो उन्हों एज पर रूल्स जिहड़ा उन्हों सस्पेंड जां रिवोक किया जाए। सो इहदे च मैं दसना चाहूँगा कि आर्म्स एक्ट के ऑलरेडी प्रोविजनस हैगियां है, सैक्शन 17 के प्रोविजनस आ जिहदे विच आपां लाइसेंस जिहड़ा वो रिवोक जां सस्पेंड कर सकते हैं, उहदे विच कुछ कंडीशनस दित्तियां होईयां है। सो वो कंडीशनस के मद्देनज़र जिहड़ियां हदायतां दित्तियां गईयां, इस तरह ही जिहड़ा हथियार ने उन्हां दा पब्लिक डिस्प्ले जिहड़ा है जनतक जिहड़ा प्रदर्शन आ उहदे उत्ते पूर्ण तौर पर पाबंदी लगाई जाए, सोशल मीडिया के उत्ते भी लागू होवे जिहड़ियां हदायतां ने। उस तो अलावा जिहड़े इहो जिहे गीत आ जिहड़े हथियारां दी जां हिंसा दी वडियाई करदे आ उहनां गीतां दे उत्ते भी पाबंदी लाई जावे। फिर जनतक इकट्ठ जिद्दां धार्मिक समागम आ, कोई विआह पार्टियां आ, कोई होर इहो जिहे समागम आ, उत्थे भी हथियार लिजाण दे उत्ते पूर्ण तौर पर जिहड़ी है पाबंदी लगाउण दीआं हदायतां दित्तीआं गईआं। इस तरह जिहड़ी अचनचेत जिहड़ी सरप्राइज चैकिंग आ जिहड़ी कि अगे भी पंजाब पुलिस वल्लों चलदी रहिंदी आ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿਮੀਲਰਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੇਟ ਸਪੀਚਿਜ਼ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਹੇਟ ਸਪੀਚਿਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਾ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਆਰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਪੁਲਿਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ 144 ਆਰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 144 ਦੇ ਆਰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣਗੇ ਬਕਾਇਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦਰ
एज पर रूल्स 144 के तहत ऑर्डर करके जारी करके इन्हों इंप्लीमेंट किया जाए। एक बार डिप्टी कमिश्नर्स वालों एक बार 144 के ऑर्डर हो जाएंगे फिर इन हदायतों के मद्देनज़र जोड़े यह जे गाने है वो उत्ते जो देखो लॉ के मुताबिक कार्रवाई होनी है जीडिया हदायत होंगे एक तरह दियाँ होंगे कि इस चीज़ के उत्ते अमल किया जाए। सो वो हम शुरू होएगा अमल करना फर्दर जो आप सरप्राइज चैकिंग की आप गल की कि अचनचेत चैकिंग की जाए वो अचनचेत चैकिंग कई तरह की चैकिंग आती है जिदा नाकाबंदी करके आप रोड मूवमेंट के उत्ते जो उस तो चैकिंग करते हैं फिर स्पैशल कैंपेन्स स्पैशल जोड़े सर्च ऑपरेशन चलाए जाने अलग अलग एरियाज़ और ये जड़ियाँ स्पैशलाइज्ड एजेंसीज ने जिदा इंटरनल सिक्योरिटी आ काउंटर इंटैलीजेंस आ उन्हों का भी बड़ा वड्डा योगदान आ वो भी इस चीज़ के उत्ते लगे हुए हैं क्योंकि दो पक्ष आ गए ना एक लाइसेंस्ड वैपन आ लाइसेंस्ड वैपन का मिसयूज़ रोकन के उत्ते हदायत है कि वह मिसयूज़ ना किया जाए। दूसरा है कि जेडे अनलाइसेंसड तो अनऑथोराइज्ड वैपन आ वो उत्ते तो ऑलरेडी लॉ है ही है वो तो सख्ती की जा रही है हूँ ये बारे स्पैसीफिक हदायत दी 144 के ऑर्डर का यही होंगे कि उन्होंने एक मानता मिल जाती है कि भी जोड़ा भी बंदा वो वायोलेशन करेगा वो खिलाफ़ 188 के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। बाकी जोड़ा लॉ लागू होंगे वो तो है ही है जोड़े जोड़े एक्ट जोड़े जोड़े सैक्शनस लागू होंगे वो तो है ही है पर जे कोई यदि वायोलेशन करेगा नाल 188 IPC भी लगती वो उत्ते। सो कई जगह के उत्ते एज सच लॉ के प्रोविजन नहीं लगती पर जो स्पैसीफिक हदायत डिप्टी कमिश्नर वालों और कमिश्नर वालों जारी हो जाएगियाँ उसके उत्ते एक स्पैसीफिक सैक्शन भी इनवोक होना शुरू हो जाएगा।